नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। और आप खबर रुक करेंगे बरेली की ओर। और आपको बता दें कि अभी तक आपने बरेली के जिला अस्पताल का मामला सुना होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि जिला महिला अस्पताल में क्या कुछ काली करतूत सामने आई है। दरअसल सरकार गरीब जनता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन महिला अस्पताल की सीएमएस अलका सिंह यहां पर सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए दिखी है। जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना है कि अगर आपका कोई मरीज है तो बताइए, हम इलाज करवा देंगे। एक महीने से अपनी पत्नी का सरकारी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भटक रहा है यहां पर एक तीमारदार। और आपको बता दें कि बाद में ये कहकर उसे बाहर कर दिया गया कि ये अल्ट्रासाउंड बाहर से होगा। और इस बीच अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ये जरा जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन अब आपको बता दें कि जब महिला अस्पताल की सीएमएस ही इस तरीके से बात करेंगी तो फिर आखिर ये मरीज कहाँ जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरोप सामने आया है कि जो सीएमएस हैं वो खुद अस्पताल देरी से पहुंचती हैं और डॉक्टर भी लगातार अस्पताल में लेट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अमरोहा से आते हैं इसीलिए लेट हो जाते हैं। जब पूछा जाए तो इस तरह के बहाने लगातार डॉक्टर्स की तरफ से सामने आ जाते हैं। ओपीडी खुलने का समय 8 बजे है, सरकार ने निश्चित कर दिया है, लेकिन महिला अस्पताल यहाँ पर मरीजों के साथ खेल खेल रहा है। जहां पर 9 बजे ही अस्पताल खुलता है, महिला अस्पताल का जो ओपीडी है वहां पर 9 बजे डॉक्टर पहुंचना शुरू करते हैं और डॉक्टरों के आने का कोई निर्धारित समय है ही नहीं। ऐसे में अब मरीज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अस्पताल में वो आए तो फिर किस लिए आए, और अगर मरीजों को लेकर जाना है तो फिर कहाँ जाएं, क्योंकि अस्पतालों में ना बेहतर इलाज मिल पा रहा है ना ही डॉक्टर से वो मिल पा रहे हैं। बरेली में सत्यम द ग्रेट गणपति महोत्सव में भगवान गणपति को लगाया जाएगा 1 क्विंटल 51 किलो लड्डू का भोग। और ये इतना बड़ा लड्डू है कि चर्चाओं का विषय अभी से बन चुका है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी और महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री गंगा की बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ के साथ मिलकर रक्तदान महादान को समर्पित अया आरती की गई। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर सत्यम द ग्रेट गणपति महोत्सव का आयोजन बरेली के राजेंद्र नगर छत्रपति शिवाजी चौक के प्रांगण में किया जाएगा। इस गणपति महोत्सव पर अब की बार गणेश जी की पूजा अर्चना कर गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा और गणेश जी को एक नए स्तर में मंदिर में पधारने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान गणेश महोत्सव 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक यहाँ चलेगा। महाराज कुछ दिन पधारे थे, उसने उनको आगे दिया था क्योंकि अपने यहाँ देखा देखी और एक तरह से कहना चाहिए कि जो है वो के पीछे चलने की जो आदत है, इसके नाते ये त्यौहार पूरे माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सप्तम द ग्रेट गणपति महोत्सव जो कि श्री गंगा गौ बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ को समर्पित है के साथ रक्तदान को भी समर्पित है। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी चौक शीर चौराहे पर 3 से 5 सितंबर तक किया जाएगा। इस आयोजन में भगवान गणपति जी को 1 क्विंटल 51 किलो के लड्डू का भोग लगवाया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देश और प्रदेश के कलाकारों के साथ वृंदावन और दिल्ली के कलाकार भी यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। साथ ही शहर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम। और एटा से खबर है कि रिटायर्ड आर्मी मैन सुभाष पांडे के बेटे की मौत कनाडा में हो जाने के बाद शव को भारत लाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। कनाडा में रह रहे बेटे तरुण पांडे की दरअसल एक बीमारी के चलते मौत हो गई और उनकी पत्नी शव इंडिया लाने के लिए हवाला के जरिए मांग कर रही है और 20 लाख रुपए उससे मांग किए गए। इस दौरान 4 साल से मृतक तरुण और उसकी पत्नी रंजना के बीच कोई संबंध नहीं थे, दोनों अलग रह रहे थे, लेकिन मृतक कनाडा में रहकर फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज शेर अटैक सुभाष पांडे ने बेटे की मौत हो जाने के बाद जिलाधिकारी एटा से जरिए जो उनके जरिए जो है सरकार को एक लेटर भेजा है, यानी पत्र भेजा है, और सांसद मुकेश राजपूत सांसद सुब्रत पाठक के जरिए बेटे का शव भारत लाने के लिए 80 साल के इस बुजुर्ग पिता ने कोशिश की है।
आपको बता दें कि एटा के अलीगंज तहसील के गांव वरना के निवासी हैं मृतक के पिता सुभाष पांडे।